सियासी हमले पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला क्या कुछ कह रहे हैं कि आतंकवादी हमारी सीमाओं पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें अमरनाथ यात्रा के लिए तैयार रहना चाहिए। सुन लेते हैं। देखिए, सिक्योरिटी बिल्कुल ठीक है, ऐसी बात नहीं है, मगर आतंकवाद है, बॉर्डर हमारा परमिएबल है, इसमें हर जगह कंट्रोल नहीं हो सकता। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि बेगुनाह जो अपने लिए मांगने गए थे शिवखोड़ी में, उन पे हमला किया गया। नेते लोग, हम सबको जो भी इस रियासत के लोग हैं, हमें इसे कंडेम करना चाहिए और अल्लाह से मांगना चाहिए कि या अल्लाह ऐसे लोगों को यहाँ मत भेज जो हम लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। अमरनाथ की यात्रा के लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। तो देखिए, देश भर में जिस तरीके से कायराना आतंकी हमला रियासी में श्रद्धालुओं के ऊपर बोला गया, गुस्सा देखने को मिल रहा है। जयपुर का मैं रुक करूंगी, मेरे साथ विनय पंत सीनियर संवाददाता जुड़ रहे हैं, यहाँ पर लोग विरोध कर रहे हैं। विनय, मुझे तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए क्या अपडेट है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से श्रद्धालुओं की बस के ऊपर हमला बोला गया, कायराना हमला बोला गया, उसको देखते हुए गुस्सा लोगों में देखने को मिल रहा है। जी वाकई शोभना, देखिए जिस तरह से श्रद्धालुओं की बस पे हमला हुआ, जयपुर के 4 लोगों की मौत हुई और आप देख सकते हैं इस समय मैं जयपुर के मुरलीपुरा थाने के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनमें काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं MLA जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे कांग्रेस के MLA की बात की जाए, BJP के MLA की बात की जाए, वो सब लोग यहाँ पर आए हैं और साथ ही जो लोग हैं उनमें आक्रोश देखा जा रहा है। उनकी जो मांग है कि उचित मुआवजा यहाँ पर दिया जाए और जो नौकरी की भी मांग है वो परिजनों की ओर से की जा रही है। साथ ही एक जो बड़ी मांग है वो ये है कि लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं, दूसरी बार है जब ये हमला हुआ है पर्यटकों पर, तो उनकी सुरक्षा को जो है पुख्ता किया जाए। जो इस हमले के अंदर जिन 4 लोगों की मौत हुई उनके जो परिजन है वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज आप सुबह से बैठे हैं, क्या मांग है आपकी, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे। सर, हम तो कल से बैठे हैं और मांग क्या थी, मांग तो थी नहीं हमारी, हमारे को तो मजबूर किया गया यहाँ बैठने के लिए। जो हम तो ये कह रहे हैं हमारा जो अधिकार है जो पहले सरकार ने वो कन्हैयालाल हत्याकांड में जो दिया था वही दे दो, और कोई ज़्यादा मांग कर ही नहीं रहे हम, कोई उनसे कोई ऐसी चीज़ मांग ली हो वो तो सारे चुप हैं, कभी कौन आता है कभी कब शासन देते हैं, काम नहीं हो रहा, सब बिल्कुल काम खराब हो रहा है। यहाँ पे देखिए, जो मृतक हैं उनके बड़े भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप धरने पे बैठे हैं, क्या मांग है और कब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, जब तक मांगे नहीं मान ली जाती तब तक? जब तक हमें लिखित में नहीं मिल जाता प्रति व्यक्ति 50 लाख रुपए और प्रत्येक परिवार को सरकारी नौकरी वो भी स्थायी, तब तक हम धरने से नहीं उठने वाले। बालम गुंजाचार्य आए थे, उन्होंने सिर्फ वर्बली बोल के चले गए, लिखित में नहीं दिया, वो बोल के उन्होंने कह तो दिया लेकिन लिखित में नहीं दिया, तो हम चाहते हैं कि लिखित में सारा मिल जाए हमें। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जब देखिए यहाँ पे काफ़ी संख्या में महिलाएं भी आप देख सकते हैं और भी जने हैं जो बैठे हैं लगातार यहाँ पे, और आक्रोश जो है वो देखा जा रहा है कई जगह पे, जो धरना प्रदर्शन है, रैली है, वो भी निकाली गई। बिल्कुल ठीक है विनय, आप का बहुत बहुत धन्यवाद ये तस्वीरें दिखाने के लिए, और लोगों में बहुत गुस्सा है ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है।